मंगलम भगवान वीरो मंगलम गात वो बड़ी मंगलम कुंज दादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व परमामी वर्णमानं तीर्थं धम्मस्य कसारम् कितने बजे तक है सवा दस तक चलिए आज से दस लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे कैसे पर्व है शाश्वत पर्व है और कैसे ये आत्म आराधना के पर्व कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे पर्व है जहाँ कोई मिठाई की बात नहीं होती नए कपड़ों की बात नहीं होती कोई धूमधाम की बात नहीं होती है किसी जश्न की बात नहीं होती कैसे पर्व है कि जहाँ कोई शॉपिंग की बात नहीं है ये कौन से पर्व है ये वो पर्व है जो अनंत सुख तक पहुँचाने का मार्ग दिखाते हैं ये वो आराधना के पर्व है जिस आराधना को करके पंच परमेश्वरों ने उस परम पद की प्राप्ति की उस आत्मा की आराधना के पर्व है कि बाहर में परिग्रह इकट्ठे करने के पर्व नहीं विशेष पर्वों की जो चर्चा है वो अपन रात्रि काल में अपन करेंगे अभी यहाँ पे प्रवचन सार ग्रंथ के आधार से द्रव्य गुण पर्याय का विषय यहाँ पे अपन चलाएंगे द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं बाल गुण में आप सभी ने पढ़ा ही होगा गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उन्हें गुण कहते हैं और गुणों के परिणमन को विकार को पर्याय कहते हैं इस सामान्य जानकारी हम सभी को है बाल गुण में हम सभी ने पढ़ा लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का पाठ द्रव्य गुण पर्याय विषय पढ़ना क्यों समझना क्यों द्रव्य गुण पर्याय के विषय को पढ़ के होगा क्या बालबोध पाठ यदि आप लोगों को याद हो तो उसके स्टार्टिंग में ही वो छात्र अध्यापक से प्रश्न करता है कि साहब आजकल तो ऐसे ऐसे परमाणु बम बन गए हैं कि एक बम से पूरी दुनिया का विनाश हो सकता है तो अध्यापक क्या उत्तर देते कि अरे विश्व का विनाश कभी भी नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं इस विश्व का नाश कभी भी नहीं हो सकता मानी द्रव्य गुण पर्याय वस्तु व्यवस्था को बताने वाला है कि वस्तु व्यवस्था कैसी है समय सारणी जब हम ग्रंथ देखते हैं तो वहां पे शुद्धात्मा की बात की जाती है कि वो शुद्धात्मा कैसा है कि प्रमत्वी नहीं है अप्रमत्वी नहीं कैसा शुद्धात्मा है लेकिन उस शुद्धात्मा को समझने से पहले वो आत्मा क्या है उसको समझना भी आवश्यक है माने समय सार को समझने से पहले समय किसे कहा जाता है कि उसको समझना भी आवश्यक है कि किसी भी चीज का यदि सार निकाला जाए तो किसी वस्तु में से निकलता है जैसा घी निकालना है घी चाहिए तो घी चाहिए तो उसके लिए क्या प्राप्त करना होगा कि वो दूध की प्राप्ति करनी होगी दूध के बारे में यदि ज्ञान नहीं होगा तो घी तक पहुंचा जा सकता है कि साहब हमें दूध के बारे में तो पता नहीं करना है होगा कुछ हमें तो घी से मतलब है घी से प्रयोजन की सिद्धि है कि अरे ऐसा नहीं है किसी भी वस्तु का यदि सार निकाला जाता है तो उस वस्तु में से सार निकलता है ऐसे ही यदि समय सार तक हमें पहुंचना है तो समय को समझना आवश्यक है
इसको मैं ऐसा कहूँ कि यदि समयसार ग्रंथ को हमें समझना है तो प्रवचन सार ग्रंथ को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि इसमें वस्तु व्यवस्था बताई गई। खास करके जो दूसरे अधिकार की चर्चा हम यहाँ पे लेने वाले, तीन अधिकारों में यह ग्रंथ विभाजित है। पहला ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और तीसरा चरणानियम सूचक चूलिका। जैसे नाचार्य भी इसकी टीका करते हुए इसको तीन अधिकारों में विभक्त करते हैं, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को भी सम्यक ज्ञान अधिकार नाम देते हैं, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार नाम देते हैं और चरणानियम सूचक चूलिका को, अरे गैस तो हम कर सकते हैं, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, तो अब कौन सा बचा, सम्यक चारित्र अधिकार नाम देते हैं। माने आप देखेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को ही क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये ग्रंथ हमें कहाँ ले जाने वाला है कि मोक्ष में ले जाने वाला ये ग्रंथ है, मोक्ष के मार्ग को प्रतिपादित करने वाला ये ग्रंथ है। तीन अधिकार इसमें है। प्रथम अधिकार में मुख्य रूप से देखा जाए तो केवल ज्ञान का वर्णन है कि केवल ज्ञान कैसा होता है, अतीन्द्रिय सुखमय होता है, केवल ज्ञान का कैसा महत्व है। आदरणीय संजीव जी भाई साहब इसको ऐसे प्रतिपादित करते हैं कि जो पहला अधिकार है वो देव को समर्पित है। माने अभी हमने देवशास्त्र गुरु पूजा की, माने ये तीन अधिकार वो देवशास्त्र गुरु के सूचक है। ये पहला अधिकार जिसमें केवल ज्ञान की चर्चा की गई, केवल ज्ञान का कैसा स्वरूप है कि इंद्रिय विषयों में सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान वो अतीन्द्रिय सुख का कारण, इस तरह की बहुत सुंदर चर्चा वो पहले अधिकार में की गई है। माने एक तरह से वो देव की स्तुति की गई है। स्तुति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, कि जो हम शाम को ढोल नगीन बजीरों के साथ करते हैं, गा कर करते हैं, उसे ही भक्ति कहा जाता है। कि हमारे आचार्यों ने भक्ति की, ये कैसी भक्ति है कि जिनेन भगवान के गुणों का स्तवन करना, कि उसका नाम भक्ति है। तो जिनेन भगवान में कैसे गुण पाए जाते हैं, वो केवल ज्ञान का स्वरूप कैसा है कि उसकी चर्चा वो पहले अधिकार में की गई। माने एक तरह से देव को समर्पित वो अधिकार है। दूसरा अधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, जिसे सम्यक दर्शन अधिकार भी कहा जाता है। सम्यक दर्शन माने सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होना, सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होना, अर्थात कि इस जगत में जो जैसा है उसको वैसा मानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक अर्थात सच्चा, दर्शन अर्थात श्रद्धा होना, निर्णय होना। किसका निर्णय होना, कि अरे जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय होना, कि संसार में सुख है या दुख है, कि संसार में दुख है, संसार से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसे निर्णय का नाम सम्यक दर्शन है। भोजन से सुख की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, साहब करेले खाने से तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन रसगुल्ले खाने को मिलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी ना। कि रसगुल्ले के सेवन से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे श्रद्धा का नाम, ऐसे निर्णय का नाम क्या है, कि सम्यक दर्शन है। समस्या अभी ये है कि सम्यक दर्शन को अभी हमने बहुत कठिन बना रखा है। कि सम्यक दर्शन माने कोई ऐसी अभूतपूर्व वस्तु होती होगी, कोई दो ज्ञानियों को ही प्रकट हो सकती है, हम और आप लोगों को नहीं हो सकती। अरे सम्यक दर्शन हो सकता है कि यही कोई सम्यक दृष्टि जीव बैठे। सम्यक दर्शन अर्थात क्या, कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निर्णय होना। कि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में कि जैसी वस्तु व्यवस्था है, द्रव्य गुण पर्याय का जैसा स्वरूप है, गियों का जैसा स्वरूप है, उसका प्रतिपादन उसमें किया गया है और उसका वैसा निर्णय करना कि वो
सम्यक दर्शन है। तो इस प्रकार इस दूसरे अधिकार में जो जिनवाणी में शास्त्रों में हमें वस्तु स्वरूप समझने को मिलता है उसकी चर्चा दूसरे अधिकार में की गई है। इसलिए एक प्रकार से दूसरा अधिकार वो शास्त्र को समर्पित है, माने शास्त्र स्तुति इसमें की गई है कि जिनवाणी हमें क्या बताती है कि जो वस्तु का स्वरूप है उससे हमें अवगत कराती है। तो गीत तत्व प्रज्ञापन अधिकार में वस्तु का कैसा स्वरूप है, हमारा अस्तित्व कैसे है, ये विश्व व्यवस्था कैसे बनती है, इसकी चर्चा इस दूसरे अधिकार में की गई। तीसरा अधिकार चरणानि सूचक चूलिका, ये किसको समर्पित होगा? देव हो गए, शास्त्र हो गए, तो कौन बचा है कि गुरु की। गुरु का स्वरूप कैसा होता है वो चरणानि सूचक चूलिका में उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देख तो ये मोक्ष के प्रवचन सार में मोक्ष मार्ग का वर्णन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वर्णन, उस मोक्ष मार्ग को प्रतिपादित करने वाले और उस मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलने वाले वो देव, शास्त्र और गुरु का स्वरूप वो हमें शास्त्र पढ़ के ख्याल में आता है। तीसरी बात कि जो ज्ञान और ज्ञेय है, ज्ञान अर्थात कि जो ताकत हमारे अंदर है पर पदार्थों को जानने की, स्वर्ण को जानने की, वो ज्ञान का कैसा स्वरूप है वो इस अधिकार में, इस प्रवचन सार ग्रंथ में हमें जानने को मिलता है। साथ ही साथ उस ज्ञान के माध्यम से हम जिसको जानते हैं कि जिन ज्ञेयों को जाना जाता है, ज्ञान अर्थात जिसके माध्यम से हम जानते हैं, ज्ञेय अर्थात कि जानने में आने योग्य, माने जिस जिसको हम जानते हैं वो सब क्या है, किसको जानते हैं हम, पर पदार्थों को जानते हैं। पर पदार्थ में कौन आते हैं, अरे नाम तो आपको पता होंगे ना पर पदार्थों के, टेबल, चेयर, पेन और शरीर, देव, शास्त्र, गुरु, ये सब कौन है, पर पदार्थ है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या है, सब पर पदार्थ है। अच्छा, छह द्रव्यों में हमें कितने द्रव्य दिखाई देते हैं, कितने द्रव्य दिखाई देते हैं, छह द्रव्य है इतना तो हम सभी को पता है। छह द्रव्य में कितने द्रव्य दिखाई देते हैं कि एकमात्र उद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छह द्रव्यों में से मात्र एक उद्गल द्रव्य को ही हम देखते हैं, और बाकी के छह पांच द्रव्य कि वो अमूर्तिक है, वो दिखाई नहीं देते। तो कोई यदि ऐसा कहे कि कल मुझे आत्मा का दर्शन हुआ है, बहुत अच्छी आत्मा दिखाई दी है, एकदम तेज प्रकाश था, एकदम सफेद रंग की आत्मा थी, तो इसका मतलब किसके दर्शन हुए हैं, कि किसी के भी दर्शन हुए हो लेकिन आत्मा के दर्शन तो नहीं हुए हैं, इतना नक्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से उद्गत द्रव्य है, जीव द्रव्य तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर द्रव्य की चर्चा, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा वो इस अधिकार, इस ग्रंथ में दूसरे अधिकार में की गई। प्रश्न अभी ये उठता है कि द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करनी क्यों है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा सुननी क्यों है। बालबोध में हम पढ़ के आ चुके हैं ना, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी हमने बहुत विस्तार से द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, पर्यायों के कितने भेद प्रभेद होते हैं, वो सब भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय समझना क्यों है, पढ़ना क्यों है, कि सबसे पहले पॉइंट की चर्चा तो हम कर चुके हैं कि यदि समय सार को हमें पहुंचना है, समय सार को यदि हमें समझना है तो समय को समझना होगा। समय का क्या अर्थ है कि समय का एक अर्थ होता है छह द्रव्य, माने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल,
आत्मा इस समय और उस आत्मा में विकारी अविकारी पर्यायों से भिन्न वो आत्मा को देखना वो शुद्ध आत्मा है, वो समय सार है। तो समय सार तक पहुंचने के लिए पहले उस आत्मा को समझना आवश्यक है कि वो आत्मा कैसा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आत्मा समझानी हो कैसे समझाते हैं, वो देखो जीवी चली है जमीन पे, वो कौन है कि जीव आत्मा है। वो देखो हाथी जा रहा है, इतना बड़ा हाथी है, वो कौन है कि जीव है। अब मेरा प्रश्न ये है, वो जो हाथी दिखाई दे रहा है, वो जो चींटी चलती हुई दिखाई दे रही है, वो जीव है या पुद्गल है? तो छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है कि वो चींटी का शरीर वो पुद्गल है, अजीव है, और चींटी की आत्मा वो क्या है? जीव। लेकिन समझाने के लिए जो चलती हुई दिखाई दे रही है वही कौन है? जीव है। वो जो हाथी दिखाई दे रहा है वो कौन है? जीव है। समझाने के लिए इस तरह से वर्णन किया जाएगा। जिनवाणी में एक अपेक्षा से आत्मा को भी मूर्ति कहा है। क्या कहा है साहब? वो तो पुद्गल द्रव्य मूर्ति होता है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण किसमें पाए जाते हैं? तो पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं, तो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है ना। आंखों से कौन दिखाई देता है? पुद्गल द्रव्य दिखाई देता है। तो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है कि जीव द्रव्य भी मूर्तिक होता है क्या? कि हाँ, संसारी अवस्था में वो जीव द्रव्य भी कैसा है? मूर्तिक है। क्यों? दिखाई देता है या नहीं देता है? वो जीव दिखाई देता है या नहीं देता है? कि हम और आप कौन है, जीव है या पुद्गल है? सब ये जीव है, ये जीव है, वो चींटी जीव है, हाथी जीव है, पेड़ पौधे जीव है, ये कैसे पहचाना? जो दिखाई देते हैं ना, चलते हुए दिखाई देते हैं, भोजन करते हुए दिखाई देते हैं, बोलते हुए दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये जो दिखाई दे वो कौन है? मूर्ति। माने जिनवाणी में इस प्रकार की नाना विवक्षा है, नाना प्रकार की अपेक्षाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन यदि वस्तु व्यवस्था हमें क्लियर नहीं होगी, ये वस्तु व्यवस्था हमें ख्याल में नहीं होगी, तो फिर हमें ऐसा लगेगा कि अरे जिनवाणी में कैसे लिख दिया, हो सकता है कि गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। लिखना तो पुद्गल द्रव्य चाहते होंगे लेकिन वो जीव द्रव्य लिखा गया होगा, कि अरे ऐसा नहीं है। वो वस्तु व्यवस्था को समझना आवश्यक है, वो द्रव्य गुण पर्याय को समझना आवश्यक है कि वो वस्तु व्यवस्था कैसी है। प्रवचन सार ग्रंथ की जो एक प्रसिद्ध गाथा है, तो लगभग यहाँ बैठे सभी को याद भी होगी, कौन सी गाथा? कि जो जानति अयंतम दब्बत गुणत पजयते, सो जानति अपारणम मोहो खलु जाति तस्य लय। कि जो आत्मा को, जो अनंत भगवान को द्रव्य पने गुण पने और पर्याय पने से जानता है, वो अपने आत्मा को जानता है और उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है। कि माने कितनी सुंदर गाथा है, जहाँ स्पष्ट शब्दों में उस द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा आचार्य ने की, कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। सब अपने आप को जानना हो तो क्या करना? कि आंखें बंद करके बैठ जाना, नाक का ध्यान करना। इस जगत में ध्यान के शिविर चलते हैं ना, क्या करवाते हैं? कि आंखें बंद करके बैठ जाना है, नासाग्र दृष्टि करनी है, आंख पर ध्यान केंद्रित करना है, नाक पे ध्यान केंद्रित करना है। क्या है? क्या इससे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी? कैसा स्वरूप है कि जानना आत्मा को है, लेकिन जानने को किसको कहा जा रहा है? कि जैसे अनंत भगवान है उनको यदि सच्चा जान लिया, तो इसका मतलब हमने अपने शुद्ध आत्मा को जान लिया।
अक्सर ये पंक्ति हम सुनते हैं, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, कि जिन्हें भगवान के दर्शन करके क्या करना है कि निज दर्शन करना है। बहुत बार ये प्रश्न खड़ा होता है कि रोज रोज मंदिर क्यों आना है, रोज रोज भगवान के दर्शन क्यों करना है, कि भगवान भी यही है हम भी यही है, एक दिन मंदिर नहीं जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि भगवान कहीं चले जाएंगे। और ये तो जैन दर्शन में और अच्छी बात है कि भगवान वीतरागी होते हैं, तो ना किसी से राग करते हैं और ना किसी से द्वेष करते हैं। तो यदि कदाचित हम मंदिर ना भी जाए, दर्शन ना भी करें, तो हमारे भगवान तो बुरा मानने वाले नहीं है। अन्य जगह से थोड़ी दिक्कत है कि यदि दर्शन करने ना जाए, पूजन भक्ति ना करे, तो कदाचित श्राप भी मिल सकता है, कदाचित हानि भी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि भगवान तो वीतरागी, तो उनके दर्शन क्यों करें, क्यों रोज रोज आना, कि निज दर्शन हुए या नहीं, कि जैसे जिन्हें भगवान है, जैसा उनका स्वरूप है, वैसा अपने आप को जाना या नहीं जाना, कि वैसा अपने आप को यदि नहीं जाना है तो रोज जिन्हें भगवान के दर्शन करने आते हैं, इस रोज हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि हे जिन्हें भगवान, जैसा आपका स्वरूप है कि वैसा ही मेरा स्वरूप है। कि जिन्हें भगवान का स्वरूप कैसे ख्याल में आएगा, कि वो द्रव्यगुण पर्याय को समझ करके ख्याल में आ सकता है। माने जब तक द्रव्यगुण पर्याय का विषय क्लियर नहीं होगा, तब तक जिन्हें भगवान को भी हम सच्चे रूप से पहचान नहीं सकते। कि कैसी बात करते हो आप, कि हम जिनेन भगवान को नहीं पहचानते, कि आपको पता नहीं है 50 साल हो गए हैं, 50 वर्षों से डेली बिना गैप के जिनेन भगवान के दर्शन करते हैं, पूजन प्रसाद करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और आप कह रहे हो कि अभी हमें जिनेन भगवान को पहचानना है। कि कैसे होते हैं जिनेन भगवान, कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं, एक एक की परिभाषा मुझे पता है, और आप कहते हो कि जिन्हें भगवान को नहीं पहचानते। कि आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, कि यदि हमने अनंत भगवान को पहचान लिया है, कि इसका मतलब कि हमने आत्मा को पहचान लिया है, और आत्मा को पहचान लिया है इसका मतलब कि आपका मोक्ष है हो जाना चाहिए। कि पहचान दी है, पहचान करना है कि हमारा मोक्ष है हुआ है या नहीं हुआ, वो मिथ्यात्व दूर हुआ है या नहीं हुआ है, घर गृहस्थी के प्रति जो राग द्वेष है, वो जो राग द्वेष की परिणति है, उसमें कुछ कमी आई है या नहीं आई, ये लक्षण ही चिन्ह है तो पहचानना होगा कि कमी आई है या नहीं आई, मोह कम हुआ है या नहीं हुआ है। कि स्वयं को अपना अपना निर्णय करना कि यदि उस मोह में कमी नहीं है, मोह दूर नहीं हुआ है, राग द्वेष की परिणति कम नहीं हुई है, कि इसका मतलब कि अभी हमने जिनेन भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा है, जिनेन भगवान की सच्ची विनय क्या है। जैसे गुरु और शिष्य होते, तो शिष्य के द्वारा गुरु की सच्ची विनय क्या होती है, कि गुरु के रोज सुबह शाम उनके चरणों में नतमस्तक होना, ये गुरु की विनय है। कि गुरु की वास्तविक विनय क्या है, जैसा गुरु ने बताया है उस आज्ञा का वैसा पालन करें, जो मार्ग गुरु ने प्रतिपादित किया है उस आज्ञा का, उस मार्ग पे स्वयं चलना, ये गुरु की सच्ची विनय है। मात्र हाथ जोड़ लेना, मस्तक अपना झुका देना, कि इसका मात्र नाम वो गुरु की विनय नहीं। ऐसे ही जिनेन भगवान के दर्शन करना, जिनेन भगवान की विनय करना, तो उसका अर्थ क्या है, कि जिनेन भगवान द्वारा जो बताया गया वीतरागी मार्ग है, कि उस पर स्वयं चलना, ये जिनेन भगवान की विनय है, ये जिनेन भगवान की आज्ञा का पालन करना है, ये जिनेन भगवान के दर्शन करना है। तो जिनेन भगवान के दर्शन किए या नहीं किए, किसका निर्णय कैसे है?
सब क्या बताए, संसार में रहना है तो रुपए पैसे तो कमाने ही पड़ते, बिना रुपए पैसों के तो काम नहीं चल सकता है ना। इसका मतलब जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं किए, क्योंकि हमारी सुख बुद्धि किसमें बैठी हुई है, वो रुपए पैसे में बैठी हुई कि घर गृहस्थी में है, घर गृहस्थी के कार्य तो करने ही पड़ते हैं ना, कि क्या करें, वो घर गृहस्थी छूटती नहीं है। कि इसका मतलब जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं किए, कि जिन्हें भगवान के सच्चे दर्शन कब होंगे, जब उसके प्रति हमारा राग टूटेगा, उसके प्रति हमारा मोह टूटेगा। कि क्या करूं, सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन ये मोबाइल नहीं छूटता है, तो मोबाइल का प्रयोग किए बिना रहा नहीं जाता है। इसका मतलब कि जिनेंद्र भगवान के सच्चे दर्शन अभी हमने नहीं किए, जिनेंद्र भगवान नहीं समझा। क्यों? क्योंकि यदि जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप समझा हो तो आत्मा का स्वरूप ना समझे ऐसा नहीं हो सकता, और जिसने आत्मा का स्वरूप समझा हो उसका मोह विलय ना हो कि ऐसा संभव नहीं। तो इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय का विषय हमें समझना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना जिनेंद्र भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं समझा जा सकता। दूसरी बात, एक पंक्ति हम सभी ने बारंबार सुनी ही है, जब भी स्वाध्याय चलता है तो एक पंक्ति बारंबार सुनने में आती है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप कि इसका निर्णय कैसे हो, कि वो द्रव्यगुण पर्याय को समझने से हो कि मैं कौन हूँ, व्यापार करने वाला हूँ, भोजन करने वाला हूँ, ये शरीर वाला हूँ, कौन हूँ मैं, पूजन करने वाला हूँ, भक्ति करने वाला हूँ, दर्शन करने वाला हूँ, प्रवचन करने वाला हूँ या प्रवचन सुनने वाला हूँ, घर गृहस्थी चलाने वाला हूँ या घर गृहस्थी छोड़ने वाला हूँ, मैं हूँ कौन, किसका निर्णय करना, और इसका निर्णय वो द्रव्यगुण पर्याय को समझे बिना संभव नहीं कि मैं ये द्रव्य हूँ, मेरा कार्य क्या है, कि जानना देखना मेरा कार्य। तो बाद में बच्चों को पंक्ति पढ़ाते, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा नाम। वास्तव में दो पंक्ति भी यदि समझ में आ जाए, उनका सच्चा अर्थ समझ में आ जाए, तो हमारा कार्य हो जाए कि मेरा नाम क्या है, शुद्धात्मा वो मेरा नाम है, और मेरा कार्य क्या है, कि मात्र जानना मेरा कार्य है। कि मात्र जानने का अर्थ मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ का अर्थ गुस्सा नहीं करते, मान नहीं करते, मायाचारी नहीं करते, लोग नहीं करते हैं, तो फिर मात्र जानना मेरा काम ही कैसे हो गया। क्रोध भी तो होता है, मान भी तो होती है, पांच पाप भी होते हैं, व्यापार भी होता है, घर गृहस्थी भी चलाते हैं, भोजन भी बनाते हैं, बच्चे हैं तो उन्हें होमवर्क भी करना पड़ता है, और ना करे तो डांट भी खानी पड़ती है, कि डांट खाना मेरा काम, क्या काम है मेरा। कि आचार्यों को ये बात नहीं पता होगी कि अरे घर गृहस्थी में रहते हैं, बाकी सारे काम भी करने पड़ते हैं, सर्विस में जाना पड़ता है तो सर्विस के काम भी करने पड़ते हैं, बॉस की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता है, बॉस की आज्ञा मानना मेरा काम, कि ये भी तो मेरे काम है। ये सब आचार्यों को ज्ञान में था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या लिखा, कि मात्र जानना मेरा काम, कि बाहर के जो कुछ कार्य हमें दिखाई देते हैं तो मेरा काम नहीं, कि मेरा काम क्या है, कि मात्र जानना मेरा काम। कि गुस्सा कितनी देर के लिए रहता है, कि आता है और चला जाता है, लेकिन आने से पहले भी मैं जानने का काम करता हूँ,
आज गुस्से के काल में भी मैं जानने का काम करता हूँ, और गुस्सा चले गया जाने के बाद भी मैं जानने का ही काम करता हूँ। तो गुस्सा तो आता है और चला जाता है, लेकिन जानना वो सदा काल अनादि काल से आज तक चलता आ रहा है। माने विचार करके देखे गंभीरता से, तो अनादि काल से आज तक एक समय भी ऐसा नहीं रहा कि जहां जानना बंद हो गया हो। जगत के बाकी जितने कार्य हैं वो 24/7 नहीं, आप एक भी कार्य ऐसा मुझे बता दें कि जो आप 24 घंटे करते हो, हफ्ते के सातों दिन करते हो, पूरे साल भर करते हो, है कोई ऐसा कार्य कि जगत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है वो 24 घंटे चलता हो। लेकिन जानने देखने का कार्य एक ऐसा कार्य है जो अनादि काल से चलता आ रहा है, वर्तमान में चल रहा है और कब तक चलता रहेगा। कि निगोद अवस्था में थे तब भी वो जानना देखना वो चल रहा था, वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है तो भी वो जानने देखने का कार्य चल रहा है, और भविष्य में कहाँ होंगे। किसाब अपना अपना नक्की कर ले कि मोह का विलय हो गया है, मोह को हमें जीतना है तो हम सभी कहाँ पे होंगे, उस सिद्धालय में विराजमान होंगे कि उस सिद्ध दिशा सिद्ध दशा में भी वो जानने का कार्य वो बराबर वैसा का वैसा ही चलता है। माने वो मेरा कार्य है, अब इसका निर्णय कैसे हो, वो द्रव्य गुण पर्याय को जाने बिना निर्णय नहीं हो सकता है। कि पर्याय का क्या स्वरूप है, द्रव्य का क्या स्वरूप है, कौन नित्य है कौन अनित्य है, कौन रहने वाला है कौन चला जाने वाला है। 12 भावनाओं में हम अनित्य भावना पढ़ते हैं, वो अनित्य भावना का विचार कैसे होगा वो द्रव्य गुण पर्याय को समझने से। मानी मैं इतनी सारी बातें इतने सारे प्रकरण में क्यों आपके सामने रख रहा हूँ कि ये निर्णय कराने के लिए, द्रव्यगुण पर्याय के पाठ को समझाने के लिए कि द्रव्यगुण पर्याय का विषय समझना क्यों है, कि द्रव्यगुण पर्याय को समझे बिना तो आत्मा की उपलब्धि करना संभव नहीं। यदि बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि यदि हमें सुखी होना है तो द्रव्यगुण पर्याय को समझे बिना सुखी नहीं हुआ जा सकता है। यदि हमें वो सिद्ध भगवान जैसे सुख की प्राप्ति करनी है, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करनी है, तो द्रव्यगुण पर्याय को समझे बिना नहीं हो सकता है। कि आप कैसी बातें करते हो, त्रियंच गति में तो सम्यक दर्शन हो जाता है, त्रियंच गति में भी तो आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, तो उन्हें द्रव्यगुण पर्याय के नाम याद होते होंगे। अरे उन्हें तो रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता होगा, शिवभूति मुनिराज जिन्हें रमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, उन्होंने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, तो फिर हमें द्रव्यगुण पर्याय का विषय समझना क्यों आवश्यक है। ये प्रश्न मन में उठता है या नहीं उठता कि इतना सब कुछ क्यों पढ़ाया जाता है, जितना है उतना काफी है ना। कि अरे यदि हमें उस शेर वाला सम्यक दर्शन चाहिए तो आपको भी क्या बनना होगा, कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए, तो शेर को जो सम्यक दर्शन हुआ था ना वैसा कोई उपाय आप बता दीजिए। इतनी गाथाएं हमें याद नहीं होती है, इतना विषय याद नहीं होता है, वो 12 भावना याद नहीं रहती है, पूजन याद नहीं रहती है, द्रव्य की क्या परिभाषा है, गुण की क्या परिभाषा है, पर्याय के कितने भेद प्रभेद है, वो सब याद नहीं रहते। आप तो कोई वो सीधा सरल उपाय बता दें। तो यदि शेर जैसा सम्यक दर्शन चाहिए तो हमें भी क्या बनना हो, तो शेर जैसा बनना हो कि शेर की पर्याय में हो तो शेर जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम सभी मनुष्य पर्याय में है तो कैसा सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, वो मनुष्य पर्याय जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त हो। सम्यक दर्शन तो अलग अलग नहीं, कि एक शेर का सम्यक दर्शन अलग और मनुष्यों का सम्यक दर्शन अलग होता है, उसने भी वही निर्णय किया है जिस निर्णय को करके हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र अंतर इतना है कि वहां उसके पास वो शब्द नहीं है, वो भाषा नहीं है,
वो ध्वनि नहीं है, लेकिन हमारे पास वो भाषा है, वो शब्द है कि जिस शुद्धात्मा को उसने पहचाना है, उस शुद्धात्मा को पहचान कर ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मात्र अंतर इतना है कि उस शेर की पर्याय में वो शुद्धात्मा है, ये शब्द ज्ञान नहीं है लेकिन अर्थ ज्ञान है। क्या क्या मतलब हुआ कि शब्द ज्ञान नहीं है अर्थ ज्ञान है, इसका मतलब क्या? ये भाव भाषण है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको भूख लगती है या नहीं लगती, लेकिन कहता तो नहीं। आज तक ऐसा कोई बच्चा है जिसने कहा हो, कोई एक साल का बच्चा, कि मुझे भूख लग रही है? है कोई आज तक ऐसा बच्चा कि कह नहीं पाते हैं लेकिन भूख लगती है या नहीं लगती, कि उन्हें दुख होता है या नहीं होता है? कि दुख होता है लेकिन कह नहीं पाते है, ये अलग बात है। अरे बच्चों में भी इतनी समझ होती है कि कोई यदि गुस्से से उन्हें देखे, कोई यदि डांट के उससे देखे तो बच्चे रोने लग जाते हैं, और कोई अच्छी भावना से उसको ले, कोई हंसते हुए ले तो बच्चे उनके पास चले जाते हैं। तो देखिए बच्चे किसी के पास तो हंसते हंसते चले जाते हैं गोदी में, और किसी किसी के पास नहीं जाते। उन्हें भी इतना समझ में आता है कि कौन मेरा हितैषी है और कौन मेरा हितैषी नहीं है, लेकिन कह कहाँ पाते हैं वो? ये सारी बातें कहाँ कहते हैं कि कह नहीं पाते हैं, लेकिन उन बातों का अनुभव है, उन बातों का भाव भाषण है। शब्द दे पाए, भाषा दे पाए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ ज्ञान होना ये जरूरी है। ये द्रव्यगुण पर्याय का विषय क्यों समझना है? कि साहब हमारा सूक्ष्म तो इतना नहीं है कि इतनी परिभाषा याद रहे। कि बात ये नहीं है कि क्षयोक्षम कितना है, लेकिन जितना क्षयोक्षम है वो इस कार्य के लिए है या नहीं। कि जितना क्षयोक्षम है, जितना ज्ञान है, वो आत्मनिर्णय में लगाया है या नहीं लगाया है, ये आवश्यक है। यदि जितना क्षयोक्षम है और वो आत्मनिर्णय के लिए लगाया है तो आत्मनिर्णय हुए बिना नहीं रहे। मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि व्यापार कितने समय के लिए चलता है, माने दिन में आप व्यापार कितने घंटे करते हैं? ये सुबह 10 से 8 करते हैं, कितने घंटे का व्यापार होता है? कि मात्र 10 से 8 का व्यापार नहीं होता है, 24 घंटे का व्यापार होता है। रात को सोते हैं तो भी इसलिए कि सुबह जाके दुकान खोलनी है, सोते भी व्यापार के लिए है, सुबह उठते हैं तो भी व्यापार के लिए, नाश्ता करते हैं तो भी व्यापार के लिए, भोजन करते हैं तो भी व्यापार के लिए, अरे दुकान का वो शटर बंद करते हैं तो भी वो व्यापार के लिए करते हैं, खोलते हैं तो भी व्यापार के लिए। हर कार्य किसके लिए होता है? व्यापार के लिए होता है। घूमने फिरने जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? वो भी व्यापार के लिए ही जाते हैं। कि अभी इतने दिनों से व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा घूम फिर लेंगे, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर दोबारा अच्छे से व्यापार करेंगे। सारे कार्य किसके लिए है? तो व्यापार करने के लिए है। ऐसे ही हमारा प्रयोजन क्या है? कि सुख की प्राप्ति करना वो हमारा प्रयोजन है। उस सुख की प्राप्ति करने के लिए हम कितना कार्य करते हैं? साफ करते हैं ना, सुबह मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, एक घंटे स्वाध्याय भी करते हैं, फिर उसके बाद वो घर जाना पड़ता है, लेकिन फिर शाम को फिर आते हैं और फिर भक्ति करते हैं, फिर एक घंटे का स्वाध्याय भी करते हैं, और घर पे जाके भी फिर एक घंटे का स्वाध्याय करते हैं। कि दिन भर में वो कुल मिलाकर के 4-5-6 घंटे का वो हमारा प्रोग्राम रहता है। किसके लिए? कि वो सुखी होने के लिए। कि 5-6 घंटे देकर के वो सुखी हो जाए, तो सुखी होने का कार्य कितना समय का है? क्यों मात्र 5-6 घंटे का कार्य नहीं है, वो 24 घंटे करने वाला कार्य है। वो स्वाध्याय मात्र 1 घंटे हमने यहाँ पे पढ़ लिया, उसका नाम स्वाध्याय नहीं है,
यहाँ से जाकर के जो हमारे मन में वो विकल्प चलते हैं, जो विचार चलता है, जो चिंतन चलता है, वह भी स्वाध्याय। और मात्र चिंतन ही नहीं, वो चिंतन के माध्यम से उन चिंताओं को छोड़कर के भी अपने स्वरूप में जब स्थिर होते हैं कि उसका नाम स्वाध्याय है। कितने घंटे का स्वाध्याय करना, 24 घंटे चली वो कहते हैं, 24 घंटे हमारा कार्य किसके लिए होना चाहिए? कि भोजन भी करना तो किसके लिए, कि आत्मा के लिए। सुबह उठते हैं तो भी किसके लिए, आत्मा के। सोते हैं तो भी किसके लिए, कि वो सुख की प्राप्ति के लिए। तब जाकर के वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो शेर के जीव ने ये सब किया होगा कि विचार करके देखें कि वो शेर की पर्याय में भी वो शेर का उतना उस आत्म वस्तु के लिए उतनी तत्परता थी, उतना समर्पण था, कि तब जाकर के वो शेर की पर्याय में उसे सम्यक दर्शन प्राप्त। शिवभूति मुनिराज को भले ही सूक्ष्म कम था, लेकिन वो आत्म वस्तु के प्रति, उस सुख के प्रति समर्पण था, तो इसलिए उन्हें उस आत्म वस्तु की प्राप्ति हुई, सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। आज हमें ये ज्ञान प्राप्त है, समझने का ज्ञान प्राप्त है, ये वस्तु व्यवस्था को हम समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि इसमें लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम अपनी बुद्धि को इसमें ना लगाए तो ये हमारे प्रमाद का सूचक है, ये हमारे समर्पण का सूचक नहीं। इसे थोड़ा सरल करके समझाना, थोड़ी कठिन बातें समझ में नहीं आती है, ये कठिन बातें समझ में नहीं आती है कि आप सब भी स्कूल में अध्ययन करके आए हैं, सबने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वह जब वहां पे इतनी कठिन कठिन बातें हम समझ लेते हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद कर लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, जब वो सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये चीजें हम समझ नहीं सकते। द्रव गुण पर्याय किसे कहते हैं वो हम समझ नहीं सकते। जब हम अपने व्यापार में वो अकाउंट्स पूरे हैंडल कर सकते हैं, किसको क्या देना है, किससे कितना ब्याज देना है, कहाँ कैसे करना है, वो सारा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, तो ये वस्तु व्यवस्था का जो मैनेजमेंट है उसको समझ नहीं सकते। यदि थोड़ा सा समय हम दे, थोड़ा सा समर्पण हम करें, तो ये वस्तु व्यवस्था कैसी है वो हमारे ख्याल में आ सकती है। तो द्रव्य गुण पर्याय का विषय क्यों पढ़ना, ये द्रव्य गुण पर्याय के विषय को पढ़कर के उस समय सार की प्राप्ति होती है। उस समय सार को समझने के लिए उस समय कैसा है, उस समय अर्थात वो छह द्रव्य का वस्तु स्वरूप कैसा है, क्योंकि वेद विज्ञान किसमें करना है, कि प्रवचन सार की यदि ग्रंथ की भाषा में कहें तो ज्ञान और वेद, इनमें वेद विज्ञान करना है। ये दूसरे अधिकार में जो अंतिम गाथाएं हैं वो ज्ञान वेद के विभाग के लिए समर्पित है, वो ज्ञान वेद के वेद विज्ञान के लिए समर्पित है। ये पहला अधिकार और दूसरा अधिकार हमने पढ़ा क्यों है, ज्ञान किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, ये समझना क्यों है, कि इसलिए समझना है कि इसको समझ करके कि ये दोनों भिन्न भिन्न है ये ख्याल में है। ये शरीर और जीव ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों के लक्षण भिन्न है, दोनों के कार्य भिन्न है, दोनों के गुण भिन्न है, दोनों की पर्याय भिन्न है, ये दोनों कभी एक हो सकते नहीं। इस बात को समझने के लिए वो द्रव्यगुण पर्याय का विषय समझना है। अभी हमने वो द्रव्यगुण पर्याय का पाठ प्रारंभ नहीं किया है, अभी तो मात्र हमने इतना समझा है कि द्रव्यगुण पर्याय के विषय को समझना क्यों, कि द्रव्यगुण पर्याय के विषय को इसलिए समझना है कि यदि मोह का अभाव करना चाहते तो द्रव्यगुण पर्याय के विषय को समझे बिना नहीं हो सकता है। कि हमने तो सुना है कि मोह का अभाव आत्मा को समझकर होता है, ये प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता, कि मोह का अभाव तो आत्मा को समझने पर होता है ना, द्रव्यगुण पर्याय को समझकर आत्मा मोह का अभाव हो सकता है क्या, कि अरे वो आत्मा को समझा जा सकता है, कि कब समझा जा सकता है, कि जब वो द्रव्यगुण पर्याय को समझा जाए, कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं। इतना तो हम सभी को पता है
इस जगत में 6 द्रव्य पाए जाते हैं और उन 6 द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। माने यहाँ पे हम वो विश्व व्यवस्था को समझने वाले हैं कि विश्व बना कैसे है, विश्व को बनाने वाला कौन है, ये विश्व में कितनी चीजें पाई जाती हैं, और इतने बड़े विश्व में मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व कितना है, मुझमें क्या पाया जाता है, बाकी के अन्य जगत में कौन कौन से द्रव्य हैं, उनमें क्या पाया जाता है, और इस पूरे विश्व को जान करके मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, ये पूरा विषय ये द्रव गुण पर्याय के अंतर्गत आने वाला है। ये 10 दिन तो हम ये द्रव गुण पर्याय की चर्चा करने वाले, लेकिन एक छोटा सा निवेदन मेरा आपसे, 10 दिन में हम 10 धर्मों की चर्चा करेंगे, द्रव गुण पर्याय की चर्चा करेंगे, पूजने आप पढ़ेंगे, जयमाला आप पढ़ेंगे, ये जितना भी इन 10 दिनों में आप स्वाध्याय करने वाले हैं उसको द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से करने का प्रयास कीजिएगा। बीच बीच में मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन पूजनों में वो द्रव गुण पर्याय आपको कहाँ दिखाई देता है उसको खोजने का प्रयास करिएगा। अपने जीवन में वो द्रव गुण पर्याय आपको कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं उसको खोजने का प्रयास करिएगा। कैसे खोजना है उसकी चर्चा तो हम आगे कल से प्रारंभ करेंगे, लेकिन इतना सा निवेदन कि जो आप इन 10 दिनों में कार्य करने वाले हैं उन सब में द्रव्य गुण पर्याय होंगी। आपकी चलने में द्रव्य गुण पर्याय है, भोजन करने में द्रव्य गुण पर्याय है, मैं ऐसा कहूँ कि हम चारों तरफ द्रव्य गुण पर्याय से घिरे हुए हैं, क्योंकि इस विश्व में सिर्फ द्रव्य गुण और पर्याय 3 चीजें ही हैं, इन 3 चीजों के अलावा इस विश्व में और कुछ भी नहीं है, मात्र उनको देखने की दृष्टि चाहिए। तो जो कुछ भी हम कार्य करें, जो कुछ भी हम स्वाध्याय करें, उसमें द्रव्य गुण पर्याय को खोजने का प्रयास करें। ये आपको 10 दिन का एक